हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास AIPMT 2011 का एक सवाल है जिसमें आपको पहले बोला है कि वेलोसिटी स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन में है, जिसको हम लोग ने 30 I cap से रिप्रेजेंट करा है, और बोला आफ्टर 10 सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो गई, जिसको हम लोग ने जिस वेक्टर को हम लोग ने वी फाइनल बोला है 40 g, और आपसे बोला है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन में कितना चेंज आया हुआ है। तो देखो बच्चों, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा, चेंज इन एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करता हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन में टाइम, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना चेंज हुआ, वी फाइनल वेक्टर माइनस में इनिशियल वेक्टर अपॉन में टाइम, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये फाइनल वेक्टर कितना है 40 g, इनिशियल वेक्टर कितना है आपका ये आ गया माइनस में 30 i, टाइम कितना है आपका 10 सेकेंड, 10 को अलग अलग कर दोगे तो 4 j माइनस में ये आ जाएगा, सॉरी दिस इज 30 i, सो ये आ जाएगा माइनस में 3 i। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 m/s². तो बच्चों कभी कभी ये तो आपका आंसर आ गया, कभी कभी आपसे डायरेक्शन भी पूछ लिया जाता है। तो एक्सप्रेशन में देखिए डायरेक्शन क्या होगा, इट्स अ वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल, मतलब चेंज इन अ वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर मैं वी इनिशियल का माइनस निकालू तो क्या ये इस तरफ आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा वी फाइनल ऊपर, वी इनिशियल इस तरफ, तो जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो कहीं इस तरफ होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं एक नया कंसेप्ट।